Hello viewers, especially my dear students of HS Badrar. Assalamu alaikum. Once again, welcome to mathematics class for 10th standard. You know we are dealing with the coordinate geometry. तो इससे पहले भी हमने कुछ questions किए हैं, तो आज फिर हम exercise 7.1 से कुछ questions करेंगे. तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में. तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस मालूम करनी है, तो अगर उनके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हैं तो हम उनके बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अगर पी और क्यू दो पॉइंट्स है, उनके बीच हम डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं? ये फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इसका, जहाँ पर x1 x2 और y1 y2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं इन दो पॉइंट्स के. तो चलिए हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल. तो हमें बताना है कि ये जो तीन पॉइंट यहाँ पर गिवन है, एक है इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -2, दूसरे के कोऑर्डिनेट 6 और 4 हैं, और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7 और -2 है. हमें ये मालूम करना है क्या ये तीन पॉइंट एक आइसोसेलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं. तो पहले हम देखेंगे कि क्या ये ट्रायंगल बनते हैं इन तीन पॉइंट से. तो फिर अगर उस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगी. तो हम देखेंगे कि इनको पेयर वाइज अगर हम देखेंगे इनके इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो हमें पता चलेगा कि ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती है. हम इन पॉइंट्स को नाम रखते हैं ए 5 -2, बी 6, 4 एंड सी 7 -2. ये हम इन तीन पॉइंट्स के नाम रखते हैं ए बी सी. तो द डिस्टेंस बिटवीन ए 5 -2 एंड बी 6, 4 इज, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट 5 -2 है, और बी है दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 6 और 4 हैं. हम इनके बीच का डिस्टेंस मालूम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो ए बी कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर दैट इज 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट इज 4 - -2. जब -2 होगा तो +2 बनेगा, सो 4 + 2 होल स्क्वायर. 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर. 6 - 5 1 के बराबर आएगा, 4 + 2 6 के बराबर आएगा. तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर आएगा. 36 + 1 = 37, सो स्क्वायर रूट ऑफ 37 किसका वैल्यू आ गया? ए बी. तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? √37. डिस्टेंस बिटवीन बी 6, 4 एंड सी 7 - 2 इज, अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, उसको बी सी हम लिखेंगे. तो कैसे निकलेगा बी और सी का डिस्टेंस? 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर. स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर. 7 - 6 1 के बराबर आएगा, -2 - 4 - 6 के बराबर आएगा. 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, -6 का स्क्वायर 36 के बराबर आएगा. तो 6 - 36 + 1 = 37. तो इस तरह से बी सी का वैल्यू कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 37. अब डिस्टेंस बिटवीन सी 7 - 2 एंड ए 5 - 2 इज, सी और ए के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए सी बनेगा उसका नाम. तो कैसे निकालेंगे? x2 - x1 होल स्क्वायर वो बनेगा 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर वो क्या बनेगा? -2 - -2 वो +2 बनेगा. सो -2 + 2 होल स्क्वायर. 5 - 7 - 2 के बराबर आएगा, -2 + 2 0 के बराबर आएगा. तो -2 का होल स्क्वायर 4 के बराबर आएगा. 4 का हम 2 स्क्वायर के हिसाब से लिखेंगे, 2 स्क्वायर 4 के बराबर आएगा.
तो अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से ए सी का वैल्यू 2 आ गया। अब हमने देखा ए बी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 37, बी सी का वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 37 और ए सी का वैल्यू 2 के बराबर आ गया। यहाँ लिखते हैं दस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37 एंड ए सी इज इक्वल टू 2। हम देखते हैं अगर किसी भी दो को हम ऐड करेंगे वो तीसरे से बड़ा है, रूट 37 को ऐड करेंगे तो वो 2 से ज़्यादा आएगा, 2 और रूट 37 को अगर ऐड करेंगे वो इस रूट 37 से बड़ा आएगा। इस तरह से ये तीन साइड जो है ये ट्रायंगल के तीन साइड हो सकते हैं क्योंकि किसी भी दो का सम तीसरे से बड़ा है। अब देखते हैं कि ये आइसोसेलेस है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो साइड बराबर हैं, ए बी भी रूट 37 है, बी सी भी रूट 37 है। इस तरह से दो साइड इस ट्रायंगल के इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमें गिवन थे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स वर्टिसेस हो सकते हैं। सिंस द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ दीज इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देयरफॉर ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल इनसे बन सकती है। अब चूंकि ए बी और बी सी बराबर हैं रूट 37 के, इसलिए ये जो ट्रायंगल है हैनस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो बनेगी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी क्योंकि इसके दो साइड बराबर हैं। तो इस तरह से हमने प्रूव किया जो ये तीन पॉइंट्स यहाँ पर गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, ये तीनों पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं। अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से देखिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको इसे समझाता हूँ। दो लड़कियाँ चंपा और चमेली अपने क्लासरूम के अंदर जाती हैं, वहाँ पर पहले से ही 4 फ्रेंड्स बैठे हुए थे, 4 जगहों पर, 4 सीटों पर। और ये चंपा और चमेली जब जाती हैं थोड़ा देख के ये चंपा बताती है कि ये जो 4 फ्रेंड्स बैठे हैं अगर हम देख ये एक स्क्वायर बनता है, अगर इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा। लेकिन चमेली कहती है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमें इस फिगर को देख के बताना है कि क्या ये चंपा सही कहती है या चमेली सही कहती है। तो जब हमने इस फिगर में देखा, जो आप अपनी बुक पर देखोगे, वहाँ पर जो ये 4 स्टूडेंट बैठे थे उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके पोजीशंस जब हम देखेंगे रो क्या है और कॉलम क्या है, तो उस हिसाब से ए के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 3, 4, बी 6, 7, सी 9, 4 और डी बनता है 6, 1। उनके कॉलम और रो के हिसाब से उनकी पोजीशन जो बनती है वो इस हिसाब से बनती है। ए का बनता है 3, 4, बी का 6, 7, सी का 9, 4 और डी का 6, 1। इस हिसाब से हम देखेंगे कि इन 4 पॉइंट्स के बीच में अगर पेयर वाइज हम डिस्टेंस बताएंगे तो वो क्या आएगी। लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन ए 3, 4 एंड बी 6, 7 इज, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम बताएंगे क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, इस ए बी डिस्टेंस बनेगा। 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। 6 - 3 किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। 7 - 4 किस बी ए बी 3 के बराबर आएगा। तो इस तरह से 3 स्क्वायर 2 बार है तो हम लिखेंगे 2 × 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर 2 बार इसमें है तो 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बनेगा फिर? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 3 को स्क्वायर भी है रूट भी है, कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 रहेगा। तो इस तरह से जो ए बी डिस्टेंस है ये किसके बराबर आ गई? 3√2। द डिस्टेंस बिटवीन बी 6, 7 एंड सी 9, 4, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखते हैं। फिर डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। 9 - 6 3 के बराबर आएगा, 4 - 7 - 3 के बराबर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा
और माइनस थ्री का स्क्वायर भी नाइन बनेगा। तो चूंकि नाइन दो बार है, हम लिख सकते हैं टू इंटू नाइन, नाइन को ऐड करेंगे नाइन से तो एटीन आएगा, टू इंटू नाइन भी एटीन ही आएगा। अब इस नाइन को हम थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि नाइन थ्री स्क्वायर के बराबर आता है। अब थ्री का स्क्वायर भी है और रूट भी है, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये फिर क्या रहेगा, थ्री रूट टू। इस तरह से जो बी सी है ये कितना आ गया, थ्री रूट टू। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सी 94 एंड डी 61 इज, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। देखते हैं सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस 3 के बराबर आएगा, 1 माइनस 4 ये भी माइनस 3 के बराबर आएगा, सो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर 9 बनेगा, ये माइनस 3 स्क्वायर भी 9 बनेगा। दो बार 9 है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 9, इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर बनेगा। अब 3 को स्क्वायर भी है रूट भी है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह से जो सी डी डिस्टेंस है ये कितने निकली, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आगे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डी 61 एंड ए 34 इज, डी और ए के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस 3, 4 माइनस 1 3, सो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर भी 9 आएगा, 3 स्क्वायर भी 9 आएगा। तो फिर यहाँ पर दो बार 9 है, इसको हम 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो इस 9 को 3 स्क्वायर बनाएंगे तो इस 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से ए डी डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताएंगे, ए सी कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ए सी इज इक्वल 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6, सो 6 स्क्वायर, 4 माइनस 4 दैट इज 0। अब 6 का स्क्वायर भी है और रूट भी है तो ये स्क्वायर रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ए सी कितना आएगा, 6। फिर डिस्टेंस बिटवीन बी 67 एंड डी 61 इज, बी और डी का डिस्टेंस, बी डी जिसको हम बोलेंगे, तो ये कैसे निकलेगा, 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वो बनेगा 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर वो बनेगा 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 जीरो बनेगा, 1 माइनस 7 माइनस 6 बनेगा, सो माइनस 6 स्क्वायर। तो माइनस 6 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 36, 36 को स्क्वायर करेंगे ये 6 स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये क्या बनेगा, 6। इस तरह से जो ए सी डिस्टेंस ये भी 6 के बराबर आ गई और बी डी डिस्टेंस भी 6 के बराबर आ गई। अब ऊपर देखिए जो ए बी डिस्टेंस ये कितनी आ गई, 3√2, बी सी डिस्टेंस ये भी आ गई 3√2, सी डी डिस्टेंस ये भी आ गई 3√2, ए डी डिस्टेंस ये भी आ गई 3√2। इस तरह से ये चारों साइड जो है ये बराबर निकले। और फिर हमने देखा ए सी जो डायगोनल इसका बनेगा वो 6 के बराबर आ गया और बी डी ये दूसरा डायगोनल बनेगा ये भी 6 के बराबर आ गया। तो हमने देखा कि इस ये जो चार पॉइंट्स थे इनको जब हमने ज्वाइन किया ये एक स्क्वायर बनता है। क्यों स्क्वायर बनता है, क्योंकि इसके चारों साइड बराबर निकले, ए बी बी सी सी डी और डी ए डी ए ये चारों साइड किसके बराबर आ गए, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड आल्सो जो डायगोनल्स थे, डायगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल, ये भी इक्वल निकले, क्योंकि
ए सी भी 6 के बराबर आ गया, बी डी भी 6 के बराबर आ गया, हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इस तरह से ये ए बी सी डी जो है ये स्क्वायर बनेगा, जो इस इन चार फ्रेंड्स की पोजीशन थी इनको हम अगर ज्वाइन करेंगे वो फिगर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसके चारों साइड भी बराबर आ गए और दोनों डायगोनल भी बराबर आ गए। वो स्क्वायर में होता है, चारों साइड भी बराबर होते हैं और दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि चंपा वाज राइट, चंपा वाज करेक्ट, चंपा ने सही बोला था, क्योंकि उसने अंदर जाके बोला था कि ये जो चार फ्रेंड्स हैं ये जहाँ पर बैठे हैं इस पोजीशन में, इस हिसाब से ये स्क्वायर बनता है, तो उसने इसलिए सही कहा था और चमेली का आंसर सही नहीं था। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इनको बार बार देखिए, समझ में नहीं आएगा दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए अपने वीडियो को, और फिर भी समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, रब्ता कीजिए मेरे साथ। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।